अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। आखिर इस अधिवेशन से बेलगाम वालों को और खासकर मुसलमानों को क्या हासिल हुआ? आज दोपहर को इस अधिवेशन का इख्तिताम हुआ। स्पीकर यूटी खादर ने इसके तफसीलात पेश करते हुए कहा कि तकरीबन 66 घंटे 10 मिनट सरमाई इजलास को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल 17 बिल पेश किए गए और मंजूर भी किए गए। बेलगाम के कुछ मुकामी मसले भी भाजपा की जानिब से उठा गए, जिसमें सियासी मुफाद या सियासी अदावत ही नजर आ रही थी, आम आवाम का इससे कुछ ताल्लुक नहीं था। बेलगाम हवाई अड्डे को लेकर भी आसिफ सेठ और अभय पाटिल में बहस हुई। जनाब आसिफ सेठ ने बेलगाम से हुबली को कारोबार को शिफ्ट करने पर सवाल उठाए, जो भाजपा की हुकूमत में किए गए थे। खैर, फिलहाल तो बेलगाम मसरूफ तरीन हवाई अड्डे में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा बेलगाम वालों को इस सरमाई इजलास से क्या हासिल हुआ, यह सवाल तो फिर भी वही रहता है। आम आवाम अगर इस इजलास से परेशान ही थी कहा जाए तो गलत न होगा। आम आवाम को कई मरतबा सड़क पर वीआईपी के काफिले जाने तक रुकना पड़ता था, सायरन की आवाज यही तो 10 दिन सुनना पड़ा। यकीनन कुछ सड़कें साफ थी, सड़क के किनारे वक्ती तौर पर दरख्त लगाए गए थे, शायद आने वाले हफ्ते में वो सूख भी जाएंगे। किल्ला तालाब के फवारे और कितने दिन चलते मालूम नहीं, तिरंगा परचम भी अब तक तो लहरा रहा है। इसी तरह तालाब में मोटर बोटिंग राफ्टिंग वगैरह भी आज तक तो नजर आ रहे हैं, बहुत कुछ इन 10 दिनों में नजर तो आ रहा है। एक और खास बात यह रही जो बेलगाम वालों के लिए इत्मीनान बख्श थी, और वो है हेलमेट या कागजात की तफ्तीश ट्रैफिक पुलिस वालों ने नहीं की, क्योंकि जाहिर है 10 दिनों ज्यादा मसरूफ थे। हो सकता है कल से या फिर 1-2 दिन ट्रैफिक मौकमा आराम कर फिर से सरगर्म हो सकता है, मतलब कुछ हद तक जो अच्छे दिन दोपहिया सवारियों के लिए 10 दिन के लिए आए थे शायद खत्म हो चुके हैं, अब हेलमेट जरूरी हो जाता। खैर, इन तमाम के मद्देनजर कुल मिलाकर अधिवेशन का दौर कितना बेहतरीन रहा आम शहरियों को, यही आज का मौजू। इस इजलास सरमा से आम आवाम को कितना लेना देना था, या फिर कुछ ऐसे भी बिल मंजूर हुए जिसमें आम लोगों का भी बड़ा फायदा हुआ वगैरह, क्योंकि ये सवाल जरूरी हो जाते हैं। आज जब शाम तमाम सियासी नेताओं के काफिले सायरन के साथ आखिरी बार विधान सौध से निकले तो बहुत सारे लोगों ने इत्मीनान की सांस भी ली। पिछले 10 दिन से सायरन की आवाज की आदत भी हो चुकी थी। अब सुवर्ण सौदा इलाकों में मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज भी पिछले 10 दिन में किया, जिसमें SDPI और नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन ने भी मुतालबा पेश किया था। SDPI का 6 दिसंबर से निकला अंबेडकर जत्था 11 तारीख को बेलगाम पहुंचा। इनकी 3 मांगे थी, जिसमें खासकर 2B रिजर्वेशन जो मुसलमानों का रद्द किया गया था और बकलीगा और लिंगायत को दिया गया था उसे फिर से बहाल किया जाए, जो रद्द किया गया था जानबूझकर, ये भाजपा हुकूमत की जानिब से इसे रद्द किया गया था जो कांग्रेस उसे फिर से लागू करे, इस तरह का मुतालबा SDPI की जानिब से किया गया। साथ में उर्दू एकेडमी ने भी अपना रद्द पेश की थी। सिवाय SDPI कैडर बेस होने की वजह से तादाद अच्छी थी, पर क्या मुसलमानों को इस अधिवेशन का कुछ फायदा हुआ, या फिर बेंगलोर से पूरा कैबिनेट बेलगाम शहर में 10 दिन के लिए कायम कर चुका था तो क्या किसी मुस्लिम नेता ने मुसलमानों के इलाकों में पहुंचकर अकलियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया? कई सारे सवाल उठ सकते हैं। हासिल इतला के मुताबिक इनके रिहाइश गाह पर पहुंचने पर भी ये नेता लोग, जो खासकर मुस्लिम नेता हैं, ये मिलने के लिए मना कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था। जहां मुसलमानों के एक तरफा वोटों की हर बार उम्मीद कांग्रेस पार्टी की जानिब से की जाती है और उम्मीद से दुगना हमेशा वोटों को एक ही पार्टी की झोली में मुसलमान अपना वोट डालता रहा, लेकिन जब यही वजीर बन जाते हैं तो इनके दरवाजों पर घंटों रुकने के बाद भी मिलने का मौका मैसर नहीं होता। पहले तो कहां रहते हैं, यानी कि इस अधिवेशन के वक्त कहां रहते हैं, इसका कुछ पता नहीं रहता। विधान सौध में दाखिल होने के लिए आवाम को पास नहीं मिलते। अगर अधिवेशन के ऐसे वक्त में आम आवाम तक नहीं पहुंच पाती, इसका क्या मतलब हो सकता है? जुमा की नमाज अदा करने एक आध सियासी लीडर किसी मस्जिद में नजर आता है और फिर गायब हो जाता है अगले अधिवेशन तक, यही कैफियत देखी गई। कुछ लोग यानी आवाम होटलों के चक्कर काट रहे थे, सिवाय कुछ सियासी लीडरों के शायद इन सियासतदानों का किसी से कुछ ताल्लुक ही नजर नहीं आ रहा था। आखिर में स्पीकर यूटी खादर ने 27,000 स्कूली बच्चों ने और 14,500 आवाम ने स्वर्ण सौध का दौरा करने की बात कही, अब इसमें कितने सियासी लीडरों के करीबी थे शायद ये बताना स्पीकर साहब भूल गए होंगे, क्योंकि सिवाय करीबियों के दूसरों को तो पास मिलने से रहा। अकलियतों के जितने मसाइल शायद इतने किसी और कौम के मसाइल हो सकते हैं, पर किसी भी लीडर को इसमें दिलचस्पी नजर नहीं आई और न किसी अकलियती इलाकों का जायजा मुस्लिम लीडर ने लेना मुनासिब समझा। रहीम खान, तनवीर सेठ, यूटी खादर, जमीर अहमद, रिजवान अरशद सिवाय बड़े लोगों की दावत छोड़कर किसी और काम के लिए या कौमी मसले के लिए अगर गए वो मुझे तो नजर नहीं आए। कुछ मुतवलियों की मीटिंग अंजुमन में ली गई, जिसमें वक्फ चेयरमैन अनवर पाशा मौजूद रहे, लेकिन इनके पास भी कोई ठोस मंसूबाबंदी नजर नहीं है। अकलियती वजीर जमीर अहमद तो कहां किस जगह पर रिहाइश पजीर हैं इसका ही पता नहीं था, लिहाजा इनसे आखिर में मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन इनके पास वक्त ही नहीं था। अक्सर लोग पिछले हफ्ते से अकलियती वजीर जमीर अहमद की तलाश कर रहे थे,
कुछ तो देर रात तक सुवर्ण सौध में इंतजार भी कर रहे थे। कहने का मतलब, बेलगाम जिसे दूसरी दारुल हुकूमत कहा जाता है, बेलगाम में मुसलमानों की तादाद भी काफी है। यकीनन आसिफ सेठ बेहतर काम कर रहे हैं। आसिफ सेठ यहाँ के MLA हैं और पहली मर्तबा ऐवान असेंबली में दाखिल हुए हैं, लेकिन बाकी कई ऐसे कायद हैं जिनकी उम्र का बड़ा हिस्सा इसी ऐवान में गुजरा है। पर क्या ऐसे वक्त में जहां मुसलमान कई मसाइल से जूझ रहा है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो मुस्लिम इलाकों में जाकर उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें या वहां इलाकों का जायजा लेकर इनके मसाइल को सुलझाने की कोशिश करते? वैसे तो पहले दो चार दिन तादाद कम ही रही। वजीर तालीम मधु बंगारप और MLA आसिफ सेठ ने स्कूलों का जायजा लिया। एक खुशाइद बात कह सकते हैं, उर्दू स्कूलों की हालत खस्ता है, जरूरत है उर्दू स्कूलों की तादाद को बढ़ाया जाए। पर जिस तरह इजलास शर्मा का एहतमाम बेलगाम में किया गया था, मुस्लिम लीडरों के साथ मशवरा तक नहीं किया गया, ये भी अफसोसनाक कह सकते हैं। वही इस बार हमेशा की तरह इतनाल ने मुस्लिम मुखालिफ लफ्जों का इस्तेमाल किया। इसी अधिवेशन के दौरान हुबली के एक इजलास में वजीर आला की मौजूदगी पर एतराज करते हुए कहा, ICC से इनके दहशतगर्द लोगों में जाकर वजीर आला ने अपनी शिरकत की है और पाकिस्तान से इन्हें इमदाद आती है, जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। आज फिर टीपू शहीद पर तोहिन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए। हमने इससे पहले भी कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा क्यों नहीं किया जाता? आखिर कांग्रेस किस बात पर खामोश है, ये भी समझने से कासिर है। कांग्रेस की जानिब से मुकदमे दायर नहीं किए जाते, लिहाजा 10 दिन इस इजलास में शायद ही कोई एकाध स्कूल छोड़कर मुसलमानों के जमीनी मसाइल पर गुफ्तगु की हो। जब तमाम रियासती वजरात शहर में 10 दिन तक रिहाइश पसीर रहने के बावजूद भी मुसलमानों से तबादले ख्याल क्यों नहीं किए गए, ये सवाल तो वैसे भी अगले अधिवेशन तक रहेगा, क्योंकि मुसलमानों को इस अधिवेशन से क्या हासिल हुआ इस पर शहर में तबसरे जारी है। जब आवाम ही वोट के जरिए इन्हें हुकूमत देती है और वजीर भी बना देती है, तो फिर आवाम से क्यों मुंह छिपाते हैं? इसका जवाब तो आज नहीं तो कल वजरात को देना होगा, क्योंकि फिर चुनाव आने वाले हैं और आवाम के सामने आपको फिर हाथ जोड़कर जाना होगा, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। आज के अहम खबरों पर एक नजर। आज आखिरी दिन चिक्कोड़ी को अलग जिला का दर्जा दिया जाए का मुतालबा MLA गणेश शुक्केरी ने किया। आज जुमा आखिरी दिन नॉर्थ कर्नाटका पर सवाल उठाते हुए MLA गणेश शुक्केरी ने कहा कि चिक्कोड़ी को अलग जिला के तौर पर पहचान दी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से यह मांग मुस्तकिल की जा रही है, आबादी कुवत की बुनियाद पर इसे मंजूरी दी जाए, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। नम प्रत्येक जिला चिक्कोड़ी आगे ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2017 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಹೋಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ DC ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 420 ಮನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಲ್ಗಾಂ ಅಂಟುಪುರಿ ಮೇ ಖಾತೂನ್ ಕೋ ಬರಾನಕರ್ ಪೀಟನೆ ಕಿ ವಾರದಾತ್ ಪರ್ ಭಾಜಪಾ ಕೋ ಜ್ಯಾದಾ ಹಿ ದಿಲ್ಚಸ್ಪಿ ಲೇತಿ ನಜರ್ ಆ ರಹಿ, ಹಾಲಾಂಕಿ ಕಾನೂನಿ ಕಾರ್ರವಾಯಿ ಜಾರಿ ಹೈ. वैसे भी इस वारदात पर तमाम लोगों ने मजम्मत की है. वजीर आला सिद्धरामैया ने 5 लाख की फौरी इमदाद भी मंजूर की है, लिहाजा भाजपा सदर JP नड्डा ने इस वारदात की तफ्तीश के लिए 5 लोगों की कमेटी तश्कील दी है. आज इसी वारदात पर भाजपा की जानिब से शहर बेलगाम में एहतजाज किया गया. ಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಹೂಗಳತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಅವರನ್ನ ವಿವಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಜನನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. आज बैलूर गांव के करीब धनगरवाड़ी है जहां अब तक बिजली की सप्लाई नहीं थी. यहां के 22 मकानों को आज सोलार और विंड एनर्जी के जरिए बिजली की सप्लाई वजीर लक्ष्मी हब्बड़कर हेस्काम के अफसरों की मौजूदगी में जारी की गई. अब तक यहां के मकानात अंधेरे में ही होने की बात कही जाती है, लिहाजा बिजली पहुंचने से खुशी का माहौल यहां देखने को मिला.
ಬೆಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾಮನಯ್ಯ ಸಾದ್ ನಂತರ ದನಗರವಾಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಗ್ರಾಮ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಕತ್ತಲನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತದಾಗಿರಬಹುದು शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वारदातें बढ़ रही है। अथनी में खेत में बिजली के तार टूट कर गिरने से गन्ने की फसल जलकर बड़ा नुकसान हुआ तो एक और जगह पर बिजली के तार टूट कर गिरने से मोटरसाइकिल ही जलकर राख हो गई। लिहाजा इस तरह की बढ़ती वारदातें फिक्र का बास बन रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।